हर देश में कोई न कोई एक ऐसा स्थान, स्मारक, पर्यटन स्थल या भवन होता है जो उसकी पहचान होता है। ताजमहल को भारत की पहचान के तौर पर देखा जाता है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका की पहचान पर। आज की पीढ़ी के लिए ये तथ्य रोचक हो सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस की तरफ से तोहफे में मिला था और ये आज ही के दिन यानी कि 17 जून के दिन अमेरिका को सौंपा गया था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में फ्रांसीसियों द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों के संयुक्त प्रयासों से किया गया था। दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत अमेरिकी लोगों ने इस मूर्ति का आधार बनाया जबकि फ्रांसीसी लोगों ने मूर्ति को आकार और स्वरूप दिया। तांबे की ये शानदार प्रतिमा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। अब आपको बता दें कि आज के दिन हमारे इतिहास में किन किन मुख्य कारणों की वजह से जाना जाता है। 1756 नवाब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर आक्रमण किया था। 1757 मुर्शिदाबाद पर हमला करने के इरादे से निकला क्लाइव कटवा पहुंचा और उसने किले पर कब्जा कर लिया। 1799 नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को अपने साम्राज्य में शामिल किया। 1855 स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के बंदरगाह पहुंचा। 1917 महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में हृदय कुंज को अपना आवास बनाया। 1938 जापान ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1944 जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में समर्पण किया। 1970 शिकागो में पहली बार किडनी प्रतिरोपण का ऑपरेशन हुआ। 1974 ब्रिटेन की संसद में बम धमाका हुआ और 11 लोग घायल हुए। 1980 अमेरिका ने अपने 160 परमाणु मिसाइलों को ब्रिटेन में रखने का ऐलान किया ताकि किसी भी संकट की स्थिति में इन्हें चलाया जा सके। 2002 कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को दोबारा खोला गया। 2004 मंगल पर पृथ्वी की चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर मिले। 2004 बगदाद में सेना के भर्ती केंद्र पर विस्फोटक में 42 लोगों की मौत हुई। 2008 देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान तेजस का बेंगलुरु में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। 2008 रूस ने अपने विनाशकारी रासायनिक हथियारों का जखीरा 2012 तक नष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ाया। 2008 कनाडा सरकार ने तमिल वर्ल्ड मूवमेंट संगठन को आतंकवादी समूहों की सूची में डाला।